बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिधा पका। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चीज़ी मैक्रोनी की। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैक्रोनी ली है, बेक पार्लर की मैक्रोनी, वो एक पैक ली है, उसको हाफ बॉयल कर दिया है। बॉयल करते हुए जब पानी को बॉयल किया तो उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दिया था। जब उसमें बॉयल आ गया तो मैक्रोनी उसमें डाल दी। ये मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है। बॉयल होने के बाद इसको ठंडे पानी से धो दिया है। इसके बाद इसमें जाएगा चिकन, बंद गोभी एक एक प्याली मैंने ली है, एक शिमला मिर्च ली है, एक प्याज, एक गाजर ली है और थोड़े से मटर। इनको हाफ बॉयल कर दिया है। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाइना सॉल्ट, चाइनीज़ नमक और 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर। और मेरे पास यहाँ पे चीज़ है, इसको एंड पे ग्राइंड करके डाल दूँगी, कद्दूकस करके काट के जिस तरीके से आसानी लगे। और इसमें साथ ही इसमें 3 फलियाँ ली हैं लहसुन की। और इसमें जाएगा सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है। अब इसमें मैं डालती हूँ 1/2 प्याली के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर इसमें चिकन डालती हूँ। यहाँ पे 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब चिकन डाल दिए। 1 प्याली मैंने चिकन लिए, ब्रश की छोटे छोटे स्लाइस कर दिए हैं। अब इसको करते हैं फ्राई। ये फ्राई हो जाए फिर इसमें डालती हूँ लहसुन और साथ ही थोड़ा सा पानी। फिर आपको दिखाती हूँ हमारे चिकन को फ्राई होते हुए 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन का। इसको भुनी लगा के फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और साथ ही इसमें प्याज डाल दूँगी। लहसुन को एक भुनी लगा के फिर उसमें पानी डाल दिया है। देख सकते हैं पानी हमारा ड्राई हो रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 प्याज। प्याज को इसे फ्राई करते हैं और साथ ही इसमें डाल दूँगी मटर और गाजर जो कि मैंने हाफ बॉयल किए हुए थे, बाकी इसमें कुक करें। यहाँ पे मेरे प्याज जो है ना वो भुन चुके हैं, एक भुनी लग चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँ गाजर और मटर तो मैंने हाफ बॉयल किया था, बाकी इसमें फ्राई करती हूँ। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँ 1 टीस्पून सिरके का और इसमें जाएगा 1 टीस्पून सोया सॉस। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स और फिर इसमें मैं डाल दूँगी बंद गोभी और शिमला मिर्च। हमारे मटर और गाजर जो है ना उसको एक भुनी लग चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बंद गोभी और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। इसमें अब डाल दूँगी चाइना सॉल्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्चें और खस्ते जाएगा थोड़ा सा नमक। और इसको कवर कर दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए स्लो आंच पे। हमारी जब सब्ज़ियाँ हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैक्रोनी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चिली सॉस। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। अब इसको करते हैं मिक्स। फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैंने चिली सॉस डाली है। मैक्रोनी हमारी हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर डालती हूँ चीज़ डाल के 2 मिनट के लिए कर दूँगी कवर। फिर इसको करते हैं डिश आउट। हमारी यम्मी यम्मी चीज़ी मैक्रोनी हो गई है तैयार। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।